गाड़ी कर दी रिटर्न, बाय बाय, अलविदा। कितना सुंदर डिजाइन करा है ना। और देखो यहाँ से देखो सन्नू प्रॉपर्टी का व्यू क्या लग रही है प्रॉपर्टी। और ये आ गए हम बीच साइड, क्या ही ब्यूटीफुल बीच है यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। आज है 17th of September और जैसे कि आपको पता है कि कल मॉर्निंग में हम सुबह 6 बजे आए थे, तो अभी हम जस्ट उठे हैं और गाड़ी की रिटर्न के लिए मैं जा रहा हूँ। आज पिकअप के लिए वो आ गए, हम गाड़ी रिटर्न कर रहे हैं। तो बस आज हमने ब्रेकफास्ट स्किप करा है, अभी जस्ट उठाऊँ और आज मैंने आपको प्रॉपर्टी का टूर भी देना है, तो आप थोड़ा वेट करिए। सबसे पहले गाड़ी की डिलीवरी दे देते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। बड़ी मुश्किल से आए हुए यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी मैंने ली थी नॉर्थ गोवा से और मैं हूँ अभी राइट नाउ साउथ गोवा में, और साउथ गोवा का भी ये काफ़ी फार एंड है, तो पिकअप लेने आ नहीं रहे थे। होटल पे कह रहे थे आप ड्रॉप करने आओ, मैंने कहा नहीं, इसको पिकअप करिए। तो आ गए गेट पे खड़े हैं। तो हमारे रूम से रिसेप्शन बड़ा दूर है, क्योंकि हमारा जो रूम है वो बीच साइड है। ये आ गए हमारे मिस्टर अनूप। क्या हाल अनूप? यस, चलो भाई आज हम दे रहे हैं गाड़ी की डिलीवरी। अनूप मज़ा आया, हमने 3 दिन खूब इन्जॉय करा, वेरी नाइस। और आपकी सर्विस भी अच्छी थी और गाड़ी की कंडीशन और गाड़ी की ड्राइव मज़ा आया। अनूप सब सामान चेक करिए, ये लीजिए चाबी। चलो ये वही हमारी गाड़ी को बाय बाय, और हम इस गाड़ी में आ गए। हम जा रहे हैं रूम में, क्योंकि रूम दूर है तो मैं तो चल भी नहीं सकता। सुबह 6 बजे आए आपका गुड नेम अंकुश, बस अब रूम में जाके नैप लेते हैं। थैंक यू। चलो गाइज, मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। एंड यहाँ से आप देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। कल मैंने आपको रूम टूर भी नहीं दिखाया था, हमने शूट कर लिया था, तो आज मैं आपको रूम टूर दिखा देता हूँ, क्योंकि हम रूम भी शिफ्ट करने वाले हैं। दिस इज स्टूडियो रूम, रूम नंबर 2307। लेट्स एंटर द रूम। एंड राइट साइड में एंटर करते ही आपके आ गया वॉशरूम, क्वाइट बिग, दिस इज द बेथिंग जोन। एंड सामने आ गया हमारा बिग बेड, वार्डरोब, सोफा कम बेड, दिस इज द किचन एरिया। वी हैव माइक्रोवेव, फ्रिज, ऑल यूटेंसिल्स, वेरी नाइस। तो सारा आप सामान यहीं बना सकते हो अपने लिए, किसी हैंडी बनाना हो। एंड दिस इज द ड्रेसिंग टेबल, टीवी, काफ़ी बड़ा रूम है। एंड सामने आ गई हमारी बालकनी, बालकनी में निकलते ही काफ़ी सूदिंग व्यू दिख गया है एंड काफ़ी पीसफुल एरिया है। एंड बीच के जैसे आप पास आते हो ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट हो जाता है, वेरी नाइस। एंड ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द रूम, बहुत ही स्पेशियस है, वेरी ब्यूटीफुल। हमारा रेस्ट कंप्लीट हो गया और हम आ गए हैं सीधा लंच करने। रूम भी हमारा रेडी हो गया, हमारे को फ़ोन कॉल्स आ गए थे कि आपका सर रूम शिफ्ट कर लीजिए, आपका रूम रेडी हो गया है। अब हम सीधा करते हैं पहले लंच पे अटैक। तो यहाँ पे मैंने कुछ यूनिक नोटिस करा, तो मैंने कहा आपको भी मैं दिखाऊँ। ये है हमारा पिकल्स का सेक्शन और यहाँ पे मुझे दिखा वाटरमेलन पिकल। भाई अचार तो मैंने बहुत सारे देखे, बट आज तक मैंने तरबूज का अचार नहीं देखा, तो मैंने कहा मैं आपको भी शेयर करूँ। लंच तो हो गया, अब कुछ मीठा हो जाए। और यहाँ पे सारी पुडिंग, पेस्ट्री, बर्फ़ी, केक्स, कुछ हॉट स्वीट्स, कोल्ड स्वीट्स, और ये मेरा फेवरेट मूंग दाल हलवा मिल गया है। इसी से स्टार्ट करते हैं लंच। डन, लेट्स गो टू द रूम। सो रूम हमारा शिफ्ट हो गया है, दिस इज़ अवर न्यू रूम, दिस इज़ द होटल यूनिट। एज कम्पेयर टू स्टूडियो इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। एंड राइट साइड में आ गया वॉशरूम, ओके, दिस इज़ द बेथिंग जोन। एंड बाहर निकलते ही आपको दिखेगा दिस इज़ द बेड। ओ वाओ, उन्होंने डेकोरेशन कर रखी है, हैप्पी एनिवर्सरी। ओके आई गॉट इट, क्योंकि बुकिंग के टाइम पे मैंने मेंशन करा था कि हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, तो उन्होंने हैप्पी एनिवर्सरी का डेकोरेट कर दिया। एंड कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट करा है, लीव्स एंड फ्लावर पेटल से, वेरी नाइस। क्लब महिंद्रा जो छोटे एलिमेंट ऐड कर देता है ना, इससे आपकी ट्रैवल जर्नी और ब्यूटीफुल हो जाती है। एंड इस रूम की स्पेशलिटी जो थी, ये थी बालकनी। यहाँ से आएगा आपको पूल व्यू और कंप्लीट प्रॉपर्टी व्यू। एंड यहाँ रूम शिफ्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ से रेस्टोरेंट सबसे नियर बाय है एंड यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। चलो लेट्स गेट रेडी एंड स्टार्ट द प्रॉपर्टी टूर। एंड आई एम हेयर फॉर द प्रॉपर्टी टूर। तो मैं बाहर के एंट्रेंस पे आऊँ ताकि आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी का टूर दे सकूँ। ये रहा महिंद्रा का एंट्री गेट, ये आ जाता है इनका एले। अब हम एंटर कर रहे हैं रिसेप्शन एरिया में। ये फाउंटेन है दो ब्यूटीफुल से। एंड राइट साइड पर आपको रिसेप्शन डेस्क दिख रहा है, लेफ्ट साइड पर ट्रैवल डेस्क है। ये सारा इनका सिटिंग लॉन्च है, ऊपर भी इनका सिटिंग लॉन्च है। बहुत ही ब्यूटीफुल रूफ है इनकी। रूम्स इनके इस बड़ी बिल्डिंग में भी हैं, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, जितने भी होटल यूनिट्स हैं
वो इसी मेन बिल्डिंग में है एंड कुछ स्टूडियोज़ भी हैं वो बैक साइड में हैं। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, टॉप व्यू। ये आपको देखो टॉप व्यू दिख रहा है प्रॉपर्टी का। ये पूल है, देन गार्डन एरिया है, देन सारे कॉटेज आ गए एंड उसके आगे भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। वहाँ चलते हैं व्यू। यहाँ से आप देखो ये पूरा प्रॉपर्टी का व्यू। ऊपर भी इनका सीटिंग एरिया है एंड नीचे इनके रेस्टोरेंट्स हैं। एक एला काटे रेस्टोरेंट है वाटरफिल एंड एक बुफे रेस्टोरेंट है तमारा रेस्टोरेंट। तो उन दोनों का भी मैं व्यू दिखाता हूँ। चलो हम लिफ्ट से चलते हैं नीचे एंड लिफ्ट ओपन होते ही आपका आ गया वाटरफील्ड कैफ़े, जिस द एला काटे रेस्टोरेंट। और बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। अभी 4 to 6 इनका कुछ ऑफर चलता है ये प्राइस पे 99 पे। एंड दिस इज़ द अनवाइंड बार, ओपन बार एंड ऑन द राइट साइड वी हैव अ तमारा रेस्टोरेंट यू कैन सी। और बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाया है, बिल्कुल फ्रेंच लुक लगेगी। देखो यहाँ से देखो कि ओपन सिटिंग इतनी ब्यूटीफुल उन्होंने दिया है, वेरी नाइस मेंटेन्ड। अंदर का तो मैंने आपको व्यू दिखाई रखा है, यहीं से कैमरा घुमा लेते हैं और वापस चलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी। दिस इज द लाइव काउंटर फॉर द 4 to 6 जो ऑफर वाला आपको दिखाया था मैंने। एंड दिस इज आउटडोर सिटिंग फॉर द वाटरफील्ड कैफे। ये आ गया इनका काफ़ी लेविश स्विमिंग पूल। पूल सुनू बहुत ही लेविश है इनका, है ना, बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया। इनके पूल के डिज़ाइन मैंने देखा सबके चेंज होते हैं, है ना, वेरी नाइस। और हमारा वाला रूम है दिस वन। चलो ये वाला है, ये वाला है हमारा। हाँ दिस इज़ आवर रूम। और देखो ग्रीनरी देखो यार, हर रूम में सेक्शन बना रखे सनू। देखो सिटिंग का इधर देखो राइट में, यहाँ से आप प्रॉपर्टी का व्यू लो। दिस इज द फुल व्यू ऑफ दिस सेक्शन। और अभी तो हमने सिर्फ 20% प्रॉपर्टी ही देखी है। अभी तो देखो मैं आपको अंदर नहीं लेके जा रहा, अंदर बहुत सारा वॉक एरिया है और सारे बहुत ही अमेजिंग कॉटेजेस बना रखे हैं। अभी मैं आपको स्ट्रेट वॉक लेके जा रहा हूँ ताकि आपको ओवरव्यू पता लग सके। और जो मैं कार्ट का एंट्रेंस बता रहा था, कार्ट वहाँ से आती है, जो बाहर से आपका एंट्रेंस है वो रोड एरिया, पार्किंग भी वहाँ होती है एंड कार्ट के लिए रास्ता उन्होंने वहाँ से दे रखा है। ये देखो इस तरह के उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं। पहले से हमारे को रूम उन्होंने बिल्कुल एंड में दिया था और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। टोटल इनके 209 रूम्स हैं इस प्रॉपर्टी में, 209। और आपको अगर दूर रूम मिलता है तो आप कार्ट यूज़ करो, नो नीड टू वॉक। अब हम सेंटर से वॉक करते हुए चलते हैं ताकि ब्यूटी भी हम कवर कर सकें। और कॉटेजेस आपको मैंने जो दिखाया सारे सिमिलर स्ट्रक्चर हैं। देखो ऐसे कॉटेजेस लेफ्ट में, ये राइट में ये कॉटेजेस बना रखे हैं। इसके अंदर मल्टीपल रूम्स हैं, नंबर ऑफ रूम्स का मुझे आइडिया नहीं है, बट ग्राउंड लेवल ग्राउंड फ्लोर पर भी और फर्स्ट फ्लोर पर भी रूम है बट लिफ्ट नहीं है। एंड ये देखो ये फाउंटेन आ गया सेंटर में फोटोग्राफी के लिए और वॉक के लिए। देखो सुनो ध्यान से, बीच में हॉलो है, कितना सुंदर डिज़ाइन करा है ना। और देखो यहाँ से देखो सुनो प्रॉपर्टी का व्यू, क्या लग रही है प्रॉपर्टी। ऐसे नेचर रिजॉर्ट गए थे वहाँ पे मालदीव्स की वाइब आ रही थी, यहाँ पे भी मालदीव्स की वाइब आ रही है। ऐसा लग रहा है मालदीव्स के अलग अलग एरिया में हम ट्रैवल कर रहे हैं। देखो यहाँ से हम स्टेप डाउन करने वाले हैं। अब ये एक तरह से ना उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड करा हुआ है, तो ये जो सेंटर पार्टीशन हो गया, ये वाला फाउंटेन वाला एरिया 50% प्रॉपर्टी वहाँ है, 50% प्रॉपर्टी यहाँ है। तो यहाँ के लिए जो मेंबर्स यहाँ पे स्टे करते हैं, जो गेस्ट यहाँ स्टे करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी बना रखी हैं। और इधर आ गए हम, दिस इज़ द सेकेंड पूल, कि जिनका यहाँ पर रूम है, देर इज़ नो नीड टू गो देर इट्स टू फार। तो अब यहाँ पर भी लेंगे, बड़ा लेविश पूल है ये, इनका शावर जोन है बड़ा सुंदर सा। और एक किड्स के लिए इन्होंने स्लाइड भी बना रखी है, किड्स का पूल एरिया है और अडल्ट का पूल एरिया है। सन्नू बहुत ही बड़ा पूल है इनका। एंड ऑन आवर राइट साइड दिस इज द स्वस्था स्पा। ये आ गए हम स्वस्था स्पा पे, बहुत ही लेविश स्पा है। और पहले हमारा जो रूम था वो उस कॉर्नर पे था, इसमें एंड वाले फ्लोर पे, यहाँ पे इन्होंने यहाँ रूम दिया था। अब हमने फ्रंट में बिल्डिंग में जो आपको मैंने दिखाया स्टार्टिंग में, वहाँ रूम लिया है। यहाँ रूम का बेनिफिट ये है कि आपका एक्सेस हैप्पी अप सामने है, स्पा नीचे है, पूल यहाँ पर भी है, बार यहाँ पर भी है, बीच एरिया पास है, एक्टिविटी एरिया पास है, वहाँ पे मेन बिल्डिंग पास है, रेस्टोरेंट्स पास हैं, पूल वहाँ पर भी है, बार वहाँ पर भी है, वहाँ दो रेस्टोरेंट्स हैं। तो मतलब आपको कहीं पर भी रूम मिलते हैं, हर जगह का आपको डिफरेंट जो है। एंड दिस इज़ द किड्स जोन फॉर द किड्स। ऑन द राइट साइड
ये बड़ा एक्टिविटी एरिया है। देखो रैपलिंग, ब्रिज वॉक और सन्नू उसको क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग, क्या कहते हैं, आर्चरी, हाँ वॉल क्लाइंबिंग, वेरी नाइस। यहाँ से होगी वॉल क्लाइंबिंग एंड देन क्रिस क्रॉस ब्रिज, देन दिस इज द बर्मा ब्रिज, ये दिख रहा है बर्मा ब्रिज आपको, और फिर आगे आपका टायर ब्रिज एंड टायर ब्रिज के बाद ये कौन सा भैया, बेली क्रॉस, और फिर उसके बाद आएगी जिप, यहाँ से जिप लाइनिंग आएगी और वहाँ पे एंड होगा। एंड इनका बता रहे 1200 प्लस टैक्स, ठीक है, थैंक यू। चलो सन्नू पूरी इंक्वायरी कर ली, 1200 प्लस टैक्स और काफ़ी बड़ी एक्टिविटी थी। देखो ये सारा गार्डन एरिया है, हम सेंटर से चलते हैं उस साइड से क्योंकि हम वो वाला एरिया भी कवर कर लेंगे। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी का इतना बड़ा जोन है, आप कंप्लीट फन ले सकते हो। एंड यहाँ पे साइकिल हायर करने का भी ऑप्शन है, आप साइकिल हायर करके प्रॉपर्टी में साइकिलिंग भी कर सकते हो। एंड अब हम आपको सेकेंड बार दिखा रहे हैं यहाँ का, ये इनका ओपन सीटिंग है एंड ये पूल के राइट साइड में है बार, इन्होंने ओपन बार बना रखा है। और आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ऐसे लगेगा कि सिनेमैटिक शॉट है, जबकि मैं ले रहा हूँ नॉर्मल वीडियो से 0.5 से, तब भी आपको सिनेमैटिक लुक आएगी। बियर बकेट ऑफर, बकेट ऑफ फोर, बहुत ही अच्छा बनाया उन्होंने यार। दिस इज सन शेड बार, और वो रहा उनका जौहर सिल्क एंड सोविनर की शॉप जो मर्चेंडाइज की थी। एंड ये हैप्पी हब आ गया है और ये पूल के अब हम राइट साइड पे हैं। हैप्पी हब वीकली कैलेंडर, और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी करवाते हैं। एंड दिस इज द एंट्री गेट, लेट्स मूव इनसाइड। वाओ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, मैंने पहला हैप्पी हब देखा है इतना सुंदर इनका। ओ यहाँ पे इन्होंने फुटबॉल टेबल लगा रखा है। दिस इज द गेमिंग जोन, ओके प्ले स्टेशन एरिया, वेरी नाइस। कैंप के अंदर आई थिंक वी आर वी ये ओ मूवी का इन्होंने सेटअप बना रखा है यहाँ पे, प्राइवेट मूवी का, वेरी नाइस। तो इतना ब्यूटीफुली लाइटिंग कर रखी है, मैंने अब तक नहीं देखा। ये लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों का किड्स जोन, पेंटिंग आर्ट, हेलो ब्लॉक गेमिंग, ओके इवनिंग एंटरटेनमेंट, ओके ग्रेट। ओके फुल हॉल एंड सनू ये आ गया इनका मेन गेमिंग एरिया, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, पूल टेबल, एयर हॉकी, चेस, लूडो। यहाँ सारा टेम्परेरी टैटू का उन्होंने सेटअप लगा रखा है। आ जा सनू, नेल पेंट का भी है, नेल आर्ट का भी है, और ब्रीडिंग भी हो रही है। देखो हेयर की, हेयर ब्रीडिंग भी हो रही है, नेल आर्ट भी है। थम्स अप टू वर्क, हैप्पी अप, ऑसम। और सन्नू वहाँ से वो कह रहे थे क्रिकेट वगैरह की भी इंक्वायरी आपको यहीं से करनी है, हैप्पी अप से। ऐसा लग रहा है स्क्रीन सेवर है यहाँ पे, मैं अगर स्टिल कर दूँ सनू कैमरा, स्क्रीन सेवर लग रहा है। अब सबसे पहले चलते हैं अपना वाटरफील्ड कैफे, वहाँ पे थोड़ा स्नैक्स लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जाएंगे बीच पे, थोड़ा सा और सनसेट हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं जितना भी शूट कर रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कम ही शूट करा है, इतनी ब्यूटी दिख रही है यार। और ये पाम के पेड़ तो मेरे फेवरेट हैं, इतने लगा रखे हैं ना उन्होंने जगह जगह। और सबसे बड़ा देखो, इन्होंने हर प्लांट के नीचे ग्राउटिंग करके ना ये जो ब्यूटीफाई करने के लिए प्लांट्स लगाए हैं। ये देखो पर्पल, वहाँ ग्रीन, यहाँ पर्पल, मतलब ये लैंडस्केपिंग का जो डिज़ाइनिंग करी है ना, अगर आप इधर भी देखोगे, ये देखो कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने क्रिएट करी है डिज़ाइनिंग। म्यूजिक ऑन हो गया, चलो टाइम टू हैव सम स्नैक्स। हमने स्नैक्स ऑर्डर कर दिए और चाय ऑर्डर कर दी है एंड हम बैठ गए पूल साइड। चीयर्स, हमने चाय पी ली और अपना प्रॉपर्टी टूर दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये इन्होंने क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए बॉलिंग मशीन लगा रखी है एंड स्ट्रेट वॉक करने के बाद इस फोटो बूथ के जस्ट बिहाइंड बीच है, लेट्स गो। बहुत लंबी वॉक है और इतना बड़ा रिजॉर्ट है ना कि आप अगर रिसेप्शन से यहाँ तक का एरिया करोगे तो एटलीस्ट 1 किलोमीटर की वॉक है। और यहाँ से आप वॉक करते करते देखोगे तो नीचे आपको सैंड दिखना स्टार्ट हो गया, बीच हो गया स्टार्ट, रिजॉर्ट हो गया फिनिश। और ये आ गए हम बीच साइड, क्या ही ब्यूटीफुल बीच है यार, मज़ा ही आ गया। सन्नू सेम पूवर आइलैंड वाली फीलिंग आ गई, कोवलम पूवर वाली है ना।
आपका इंडिविजुअल बीच एक्सेस, मस्त अपना जाओ बीच के मज़े लो, कोई भीड़ नहीं कुछ नहीं, आराम से शॉवर लेना हो स्लीपर से, चाहे यहाँ पे इन्होंने बना रखे स्पेस, शॉवर करो स्लीपर, यहाँ चेंज कर लो शूज़। उधर से कैमरे पे शेड आ रहा था तो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये पूरा ब्रिज है, ब्रिज वॉक करके आप सीधा बीच पे एक्सेस लेते हो। इस साइड में थोड़ा आपको कैमरा ब्लर आएगा क्योंकि हम सन के अपोजिट खड़े हैं। ये देखो यहाँ से सन्नू बड़ा क्लियर बीच है यार, बीच देख सन्नू कितना क्लियर है, पूरा क्रिस्टल क्लियर बीच है, और कहते हैं यहीं से सबसे क्लीन बीच स्टार्ट हो जाता है। बड़ा ही पीसफुल एनवायरनमेंट हो रहा है, एंड हमारे जस्ट साथ में डेल्टन ज्यूरी का वाइट सैंड रिजॉर्ट है, जो उनका लैंड कैसीनो है वो हमारे बिल्कुल साथ में ही है। एंड दिस इज द फर्स्ट टचडाउन ऑफ द वाटर, सी वाटर, यस। 5 दिन से मैं गोवा आया हूँ और मैं पानी में गया ही नहीं था। ये हो गया सनसेट और हम आ गए हैं पानी के अंदर। ओए सन्नू बीच का भी मजा अलग है। ये मेरा पोज करने का स्टाइल है, बहुत अच्छा है। देखा, एंड दिस इज द कंप्लीट व्यू ऑफ द बीच। बीच पे टाइम तो सन्नू पता ही नहीं लगा, अंधेरा भी हो गया। तो पर कैमरे में तो ब्यूटी अलग ही कैप्चर हो रही है यार। ये ब्रिज इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, देखो पूरा कंप्लीट प्रॉपर्टी से कनेक्ट करने के लिए। एंड ये लिखा क्लब महिंद्रा वर्का गोवा। सुनो सबसे अच्छा इन्होंने क्या रखा ना, बाइला का अगर आप शूज़ पहन कर आओ तो शूरैक जो बनाया ना ये बड़ा अच्छा बनाया, कम्फर्ट देखो, शूज़ यहीं उतार दो, और अगर आप किसी स्लीपर में रेत भर जाएगी तो यहाँ पे आके सैंड अपनी वॉश कर लो। चलो हमने अपना पैर धो लिए हैं। एंड सनू देखो ये प्लांट्स जब ग्रो कर जाएंगे और ये शैक वगैरह यहाँ पे लग जाती है अक्टूबर में, कितना मज़ा आएगा ना, लाइव म्यूजिक चल रहा है यहाँ, अपना वॉलीबॉल खेल रहे हो, अपना बार है, सारा है बाहर, पूरी शैक लग जाती है, चेयर्स लग जाती हैं, जो अक्टूबर में मज़ा है ना बहुत ज़बरदस्त। चलो लाइट ऑन हो गई सनू देखो पूरी प्रॉपर्टी की, हाँ तो नाइट टूर भी हो जाएगा प्रॉपर्टी का। लाइट ऑन होने के बाद बहुत ही अच्छी लुक लग रही है, तो कैमरे में ना विजिबिलिटी का थोड़ा डिफरेंस आता है। अब कैमरे में आपको पता नहीं, बट आप अगर यहाँ से सामने से जब देख रहे हो तब आपको एग्जैक्ट व्यू पता लगता है। रात को इतना सूदिंग एनवायरनमेंट हो रहा है एंड सारी पब्लिक पूल में डिप कर रही है, इनको देख के मेरा भी मन कर गया है, मैं भी पूल में डिप करता हूँ। चलो भैया मैंने स्विमिंग के लिए अपनी कॉस्ट्यूम पहन लिया है, अब रूम कार्ड मैंने ले लिया है, अब हम चल रहे हैं स्विमिंग पूल में क्योंकि स्विमिंग पूल बंद होने वाला है। और ये रहा जस्ट हमारे पीछे स्विमिंग पूल, लेट्स गो एंड हिट द पूल। पानी बिल्कुल गर्म है, इन्होंने हीटेड करा हुआ है, वो कह रहे हैं फिल्ट्रेशन में ना इन्होंने हीटर भी लगा रखा है, पानी बिल्कुल बॉम है, अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा हाइट भी नहीं है, 4 फीट होंगे। अभी भी देखो लोग निकल नहीं रहे हैं, और बीच अलग है, बीच पे पब्लिक है, पूल पे पब्लिक है, यहाँ भी है, बार वगैरह में तो सब सेट है, ये सब प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहे हैं मोस्टली, तो बाहर नहीं जा रहा है, इतना भी गेस्ट है। चीयर्स, चीयर्स टू गोवा। ये सर्विस तो शताब्दी से भी तेज है, मैंने कहा आपकी सर्विस शताब्दी से भी तेज है, 5 मिनट पहले आना जाए, कोई आना जाए नहीं नहीं का बोर्ड लगा दिया इन्होंने पर कोई रेडी नहीं है बाहर निकलने के लिए। चलो सन्नू डिनर स्टार्ट हो गया है, टाइम टू लीव। स्विमिंग करके इतना अच्छा लगता है ना गाइस, मज़ा आ जाता है बिल्कुल, आप फ्रेश फील करते हो भाई। मैं तो ना जब भी प्रॉपर्टी में बाहर वेकेशन पे आता हूँ तो मेरी तो यही प्रेफरेंस रहती है कि अरे एक बार स्विमिंग में जाके डिप कर लूँ, सो दैट कि मैं अच्छे से रिलैक्स हो जाऊँ। लाइफ काउंटर, और आ जाए लाइफ काउंटर में सन्नू गोलगप्पे, थाई भरमा गोलगप्पे, तवा पनीर, पाइनएप्पल चाट, दिस इज द ब्रेड काउंटर, और नॉनवेज का स्नैक्स का बाहर है काउंटर, मैं नॉनवेज पूछ के आता हूँ नॉनवेज क्या है।
लहसुनी फिश टिक्का एंड तंदूरी मुख टिक्का। आगे ब्रेड सेक्शन, सारा वेज सेक्शन है, वेज शोरबा, स्टीम राइस, दाल पंचमल, गट्टा करी, मीठी पापड़, वाइट सावले पास्ता, खिचड़ी, कड़ी, वो कड़ी अलग स्टाइल के हैं, सारे पिकल्स हो गए, हींग धनिया आलू, मशरूम दो प्याज़ा, पनीर हरा प्याज, उंधियो वेज बाटी, दाल पंचमहल एंड दिस इज वेज बिरयानी। डिनर डन। और ये आ गया हमारा स्वीट्स। अब अटैक करेंगे हम डेजर्ट पे। हम डिनर करके आ चुके हैं और बाहर हो रहा है इतना पीसफुल एनवायरनमेंट की मज़ा ही आ गया। आज मैंने आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी टूर दे दिया और हमने भी प्रॉपर्टी के बाहर कहीं नहीं गए, हमने भी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करी और यहीं बहुत मज़े करे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।